हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट डे टू डे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आज के मार्केट यानी 2 जनवरी का मार्केट है, 2 जनवरी 2024 का ये मार्केट है। आज के मार्केट की अगर हम बात करूँ तो टोटली पूरा मार्केट मॉर्निंग में मूवमेंट देने के बाद ना पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, इस जगह पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाने से एक मूव दिया। तो ये जो टाइम हो रहा था ये 10 बजे तक मार्केट ने मूवमेंट ख़त्म कर दिया और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी ट्रेड करने की, मैं उनके बारे में आज बात करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले ट्रेड बना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक डब्लू पैटर्न ढूंढते तो आपको मैंने बताया कि क्या करना है, सबसे पहले हमको एक तरफा मूव मिलना चाहिए। तो एक तरफा मूव हमारे कल के मार्केट में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कल के मार्केट की क्लोजिंग है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना ये कल के मार्केट की क्लोजिंग है। इस जगह पर मार्केट ने आके क्या करा, यहाँ पे क्लोज हो गया था। ठीक है ना, तो आज हमने यहीं पर क्या करा, एक लाइन बना ली जो कि आज के मार्केट के लिए थी। ठीक है ना, तो आज मार्केट ने क्या करा, एक तरफा मूव हुआ तो मार्केट खुला ऊपर। ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने ओपनिंग दी। ठीक है, समझना, मार्केट ने क्या दिया, ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद मार्केट हमारे वापस से, ये इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं, और नेकलाइन बनाने के बाद मार्केट ने क्या करा, वापस हमारे लो पर आया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक कॉल की पोजिशन बनाई। क्यों? क्योंकि ये एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न है। ठीक है ना, और टारगेट हमारा कहाँ तक का था, नेकलाइन तक का, इस नेकलाइन तक का हमारा टारगेट था। अब मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट में एक तरफ मूव आया इस जगह पे। ठीक है, ये मार्केट ने नेकलाइन बना के दी, नेकलाइन बनाने के बाद अगेन मार्केट हमारे जोन में आया, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेकलाइन तक का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हमको दे दिया, पर मैंने ये ट्रेड अवॉइड करा क्योंकि मार्केट में पहले ही कल के दिन में इतना मूव आया था और आज मार्केट फिर खोलने के साथ ही सीधा नीचे आ गया, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। बाकी अगर मैं इसमें काम करता तो मुझे ये टारगेट बिल्कुल मिल जाता। ठीक है, इसके बाद बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बना है। यहाँ पे आप देखो, कोई भी ट्रेड नहीं बना है, ये पूरा मार्केट साइडवेज 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 हो गया है। ठीक है ना, तो अब हमको निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। निफ्टी में एक ट्रेड बना था जिसमें मैंने भी काम किया था और बाकी लोगों ने भी काम किया होगा अगर उन्होंने ये पैटर्न को कैप्चर किया है, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, सेम इसमें भी हुआ है, निफ्टी में सेम हुआ है, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज डिफरेंट क्या है मैं बता दूं आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंट क्या है कि आज दिन ट्यूसडे का, ठीक है ना, कौन सा, मंगलवार का, और मंगलवार के दिन होती है क्या, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि भाई आपको क्या नहीं करना है, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसमें काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने 90% ऑफ केसेस में देखा है कि मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है उस दिन के लिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स का। तो वही सेम आज हुआ है। क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में तो आपको मूवमेंट मिल गया है, यहाँ पे आप देखो निफ्टी में एक ये मूवमेंट मिला है, पर बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं मिला है। उसका सिंपल रीजन है फाइनेंस निफ्टी, ये देखो आप, उसका सिंपल रीजन है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी भी सीधा फ्लैट हुआ पड़ा है, रीजन ऑफ जस्ट इतना ही है कि आपको क्या है कि रीजन आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, इसलिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो सारे के सारे फ्लैट हुए पड़े हैं। बैंक निफ्टी में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ट्राइंगल पैटर्न बना है, एक ट्राइंगल पैटर्न बना है इस टाइप से, और इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिला है ये इस कैंडल में। इस कैंडल से हम अगर इसमें पोजिशन बनाते तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये था इस स्विंग का, ठीक है ना, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, जो पहला रेजिस्टेंस हमारा है, उसका हमारा क्या था, पहला टारगेट था। ठीक है, जो कि अभी जस्ट हो चुका है, अभी मार्केट ओपन है, इस जगह पे हमारा पहला टारगेट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे मैं देख रहा था जब ये ब्रेकआउट हुआ था, इस टाइम पे कितने का, 21,550 का, ठीक है ना, 21,550 का जो कॉल था वो चल रहा था 150 पे, ठीक है ना, और अभी उसका अगर हाई देखें तो 200 रुपये का उसने हाई बना दिया, तो मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हमारे इस पूरे जोन के में कैप्चर हो चुके हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर तक इस रेजिस्टेंस एरिया तक हो चुके हैं। और अब मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो टाइम हो रहा है 2:45 का, तो मेरे हिसाब से 2:45 के टाइम के बाद, है ना, अब क्योंकि दूसरा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनना इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि दूसरा कोई पैटर्न तो बनेगा नहीं, ठीक है ना,
दूसरा कोई पैटर्न तो बनने से रहा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से सारा का सारा प्रॉफिट बुक करके और ट्रेडिंग को कर देना चाहिए बंद। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो।